हेलो। अब नेक्स्ट डे आ जाता है वेडनेसडे। वेडनेसडे आफ्टर 4 सेशन आपको रेस्ट करनी है। 4 सेशन यानी कि 5 सेशन के बाद, सॉरी, आप 5 वेडनेसडे को मॉर्निंग में भी कर सकते हैं या इवनिंग में एक टाइम का वर्कआउट कर सकते हो। जैसे मंडे मॉर्निंग इवनिंग 2 टाइम, ट्यूसडे मॉर्निंग इवनिंग 2 टाइम, और वेडनेसडे मॉर्निंग के बाद इवनिंग की रेस्ट, या मॉर्निंग वर्कआउट ना करो और इवनिंग को कर लो। वैसे मॉर्निंग में करके आप लोगों को मसाज वगैरह करवा सकते हो, तो ये मेरी थिंग है। उसके बाद मॉर्निंग में जो वेडनेसडे को होगा उस दिन आपको थोड़ा रनअप्स करने हैं, रनिंग करनी है। रनिंग के अंदर आपको 1.5 किलोमीटर रनिंग करनी है स्ट्रेचिंग करने के बाद ग्राउंड में जाके। उसके बाद ABC, अगेन आपको 7-8 एक्सरसाइज ABC की करनी है। उसके बाद आप ABC करने के बाद खाली रनवे भाग सकते हो, जेवलिन लेके या हाथ में टॉवल लेके या कोई चीज कैरी करके आप जेवलिन रनवे पर भागो। वो आपके रनवे 20 रनवे होने चाहिए। रनवे के अंदर जो चीज याद रखनी है आपको, आपका ये हाथ थोड़ा उठा हुआ हो, जेवलिन आगे से नीचे हो, फर्स्ट थिंग। ये नहीं कि जेवलिन का मुंह इधर निकला हो, ऊपर उठी हो, ये चीजों का ध्यान रखना है। देन आप क्रॉसिंग के टाइम पे ये चीज, हाथ आपका सर से ऊपर हो, ये आई, देन अगले वाला डाउन हो, ये हाथ डाउन रख के आपको इसी में क्रॉस लेने हैं। ये चीज हमेशा याद रखना, ये चीज पेंडुलम नहीं होना चाहिए, ये यहाँ होना चाहिए मिडल में, सेंटर ग्रेविटी यहाँ, ये हाथ ऊपर, ये इम्पोर्टेंट है। देन 20 वो करने के बाद, रनवे करने के बाद आपको अपना स्पाइक रिमूव करके और कोर के ऊपर जाना है। उस दिन आपकी वेडनेसडे को मोस्टली सारा वर्कआउट कोर के साथ होता है, विद प्लेट, विद वेट, देन विद मेडिसिन बॉल, प्लैंक और साइड होल्डिंग, ये सब हो सकती है। उसमें TRX भी ऐड कर सकते हो। तो बिगनर्स के लिए इतना ज़्यादा नहीं करना है और लोड कम रखना है। और जो 18-20 या मेंस है और ओवर है, जैसे 28-30 साल है, तो उनको ये टोटल कर सकते हैं सारा ही। मेडिसिन बॉल में पहले तो सिटअप्स होंगे, पैरों के ऊपर एक बंदा खड़ा करके कंटिन्यू 25-25 के 4 सेट, 100 सिटअप्स ये। देन साइड को ये आपको करने हैं, मान के चलो 20 एक साइड, 20 एक साइड, तो इसके 3 सेट करने हैं, 120 ये हो जाएंगे। उसके बाद आपको विद बेंच के ऊपर एक बेंच लगा के वेट के साथ प्लेट लेके ये साइड को ऊपर को पीछे जाना है। देन ऊपर को ये हो गया एब्डोमन के लेग्स ऊपर करने वाले फोल्डिंग करके, फिर आप प्लैंक एक्सरसाइज कर सकते हो 2 मिनट्स, 1 मिनट, 130, 150 ऐसे करके। साइड प्लैंक्स करने हैं, साइड आई पर करने हैं, प्लेट्स लेके होल्ड करके ये साइड वाली कर सकते हो। प्लैंक करो तो ऊपर वेट रख सकते हो। ये सारा आपका प्लैंक कोर का वर्कआउट हो जाता है। कोर के साथ आपको थोड़ा कोशिश करना हैमस्ट्रिंग के ऊपर ध्यान देना, किसी चीज़ के ऊपर अपने नी फोल्ड करके एक बंदे को ये एंकल पकड़वा के आगे को झुकना है, हैमस्ट्रिंग एक्सरसाइज जो भी होती है। ओके, तो ये आपका उस दिन कोर, टोटल कोर वर्कआउट होगा। कोर वर्कआउट के साथ आप शोल्डर की थोड़ी सी ऐड कर सकते हो, जो मैंने बताई हुई है AWT और Y, वो सब जरूर स्कैप्स के लिए होती हैं, क्योंकि शोल्डर जब भी किसी का पेन होता है वो यहाँ बताता है, जबकि यहाँ इंजरी नहीं होती, वो पीछे होती है वीक होने की वजह से, क्योंकि ये रहते हैं ज़्यादातर, तो यहाँ हमें मिडल रेंज में रहना है, पीछे हमारे स्कैप्स वर्किंग होनी चाहिए, देन शोल्डर आपका ओके रहेगा। आप शोल्डर की एक्सरसाइज कर सकते हो। अगर आप एल्बो इंजर्ड हो तो आप एल्बो की करो, एंकल्स इंजर्ड हैं आपके तो एंकल्स की जरूर करो, लोअर बैक इंजर्ड है तो लोअर बैक की एक्सरसाइज करो। उस दिन आपको ये सब करना है कोर के साथ। आप इंजरी की, एक कोई भी आपकी जो मेन इंजरी है या आपके जिस मसल में पावर कम है, स्ट्रेंथ कम है, ये चीज़ आप करो। उसके बाद आप अच्छी सी बढ़िया स्ट्रेचिंग करें, देन आपको आफ्टरनून की, इवनिंग की जो भी वर्कआउट है उसके लिए रेस्ट लेना है। तो नेक्स्ट डे थर्सडे आ जाएगा। थर्सडे में फिर वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज आ जाएंगी। वेट ट्रेनिंग अलग वे में होगी उस दिन थोड़ी सी, उससे नेक्स्ट थ्रोइंग डे होगा, उससे नेक्स्ट फिर वेट ट्रेनिंग हो जाएगी। वेट ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं है हमें बहुत लोहा नहीं उठाना है, मैं फिर बोल रहा हूँ, हमें 4-5 सेट एक सेट के करने हैं, और रेपिटेशन ऑफ सीजन में ज़्यादा देने हैं।
स्ट्रेंथ गेन करनी है, अपने शरीर को लोहा भी नहीं बढ़ने देना कि वो स्टिफ होता जाए, स्टिफ नहीं होने देना। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं हर चीज़ के बाद मंडे मॉर्निंग से लेकर वेडनेसडे तक आपको ये चीज़ बोलता हूँ, आफ्टर वर्कआउट जॉगिंग वॉकिंग फ्लेक्सिबिलिटी ये जरूर करनी है आपको, स्ट्रेचिंग, ठीक है। मिलेंगे अब थर्सडे की मॉर्निंग की वीडियो में। ओके, थैंक यू।